नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल आलोक्स ब्लॉग पर। दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में हम पिटोनिया प्लांट से ज़्यादा फ्लावर्स ले सकते हैं और कैसे ही इनके अंदर ज़्यादा दिन तक फ्लावर्स ले सकते हैं, इस टॉपिक पर बात करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक, कमेंट और शेयर भी जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ मेरे वो दोस्त जो मेरी इस वीडियो पर नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। दोस्तों, पिटोनिया विंटर का सबसे खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है। इसके अंदर जब फ्लावर्स आना शुरू होते हैं तो गार्डन के अंदर फूलों की बिल्कुल भी कमी नहीं होने पाती है। विंटर का अगर देखा जाए तो सबसे मेन अट्रैक्शन होता है ये प्लांट, इसके जो फ्लावर्स होते हैं गार्डन के अंदर। वैसे तो पिटोनिया के अंदर जो है फ्लावरिंग कंटिन्यूअसली होती ही रहती है, लेकिन हमें कुछ चीज़ों का ध्यान जो है रखना भी ज़रूरी होता है। जैसा कि इनकी बेसिक रिक्वायरमेंट, जैसे कि जो है कितना इनको फर्टिलाइज़र देना है, कितनी सनलाइट देनी है, पानी कब देना है और किस मिट्टी के अंदर लगाना है। तो मिट्टी इनके लिए बेडरेन बनाइए, जब भी आप नर्सरी से लेके आइए, एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा रेत और एक हिस्सा कंपोस्ट मिलाकर मिट्टी को तैयार कीजिए। अगर आपके यहाँ की मिट्टी रेतीली हो तो आप जो है कंपोस्ट और मिट्टी की मात्रा बढ़ा सकते हैं, सैंड की मात्रा जो है वो कम कर सकते हैं। बात अगर करी जाए इनकी वाटरिंग रिक्वायरमेंट की, तो पानी मिट्टी को चेक करके ही दीजिए। और जब भी पानी दीजिए तो जब इस तरीके से पौधे फैल जाएं तो उनको ऐसे उठाइए और नीचे वाले पोर्शन में जो है पानी दे दीजिए। इसके अलावा जो है अगर बात करी जाए सनलाइट की, तो मिनिमम जो है 4 से 5 घंटे की सनलाइट आपके इस पौधे के लिए नेसेसरी होती है। 6 से 7 घंटे की अच्छी धूप जो है अभी इनको फरवरी तक चाहिए। फरवरी के बाद जैसे ही मार्च का मंथ आएगा, जब धूप थोड़ी तेज़ होने लगती है, तब इनको आप ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर 3 से 4 घंटे की धूप मिले और उसके बाद ये पौधा आपका ब्राइट लाइट के अंदर रहे। उसके बाद जो है बात करी जाए अगर फर्टिलाइज़र की, तो आपका जो ये पौधा है ये बहुत ही हैवी ब्लूमिंग वाला प्लांट है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इसके अंदर ब्लूमिंग होती है, तो इस वजह से इसकी फर्टिलाइज़र रिक्वायरमेंट का भी हमको ध्यान रखना ज़रूरी होता है। तो ऐसे में जो है रिपोर्ट करते समय तो हम इसको फर्टिलाइज़र कंपोस्ट लगाकर जो है मतलब कंपोस्ट के अंदर लगाते ही हैं, लेकिन उसी समय अगर हम एक मुट्ठी जो है सरसों की खली का पाउडर और जो है आपका जो नीम खली होती है उसका पाउडर अगर मिला दें तो फिर इनकी ब्लूमिंग जो है वो कंटिन्यूअसली अच्छी होती रहेगी। बसरते जो है आप इनको लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है वो समय समय पर देते रहें। पौधा जब थोड़ा ग्रोथ कर रहा हो रिपोर्टिंग के बाद, एक आध महीने के बाद सेम प्रोसेस को फिर से दोहरा लीजिए। इस तरीके से जो है आपका ये जो प्लांट है पूरे लाइफ टाइम जो है इसकी एनर्जी मेंटेन रहेगी। बात करी जाए अगर लिक्विड फर्टिलाइज़र की, तो हर 15 दिन के अंतराल पर आपको अपने पौधों को लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है वो देते रहना है। पिटोनिया के पौधों के लिए जो है ये मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है बहुत अच्छा होता है। अगर पिटोनिया के अंदर आप अच्छी ब्लूमिंग पाना चाहते हैं तो इसके पिंचिंग वगैरह पर तो ध्यान रखना ही होगा, साथ ही साथ इसको समय समय पर मस्टर्ड केक का ये लिक्विड फर्टिलाइज़र जरूर देना होगा। मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र आपके इस पौधे के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अगर बाकी चीज़ों की बात करी जाए तो सबसे जो मेन पार्ट है वो है डेड हेडिंग। जब फ्लावर्स इसके अंदर आकर ख़त्म हो जाएं तो इस तरीके से जो है इनकी डेड हेडिंग करके इनको हटा दीजिए। होता क्या है कि जब ये फ्लावर्स प्लांट के अंदर बने रहते हैं तो ये बीज बनाने लगते हैं और प्लांट हमारा जो है जब सीड बनाने में लग जाता है तो इसके अंदर फ्लावरिंग ऑलरेडी रुक जाती है। अगली चीज़ जो है पॉट के अंदर जो है किसी भी तरीके का खरपतवार ना रहने पाए। जब तक आप के प्लॉट के अंदर जगह रहे, आप मिट्टी की गुड़ाई वगैरह जो है वो समय समय पर करते रहिए, ये भी जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगली चीज़ जो है पिंचिंग की, जब आपका पौधा छोटा हो तो इस तरीके से, जैसे यहाँ पर देखिए ये ग्रोथ वाला पार्ट है, इसको इस तरीके से जो है पिंच करके निकाल दीजिए, तो यहाँ नीचे से ये और भी ज़्यादा ब्रांचेज बनाएगा और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी, मतलब इसी तरीके से जैसे मेरे बाकी के प्लांट आपको दिख रहे हैं खूब घने, वैसे ही खूब घना हो जाएगा। ज़्यादा ब्रांचेज आएंगी तो ज़्यादा फ्लावरिंग भी मिलेगी, मतलब जितनी ज़्यादा आप पिंचिंग करेंगे पौधा घना होता जाएगा। एक टाइम के बाद जब आपका पौधा ज़्यादा बड्स बनाने लगता है और फ्लावरिंग बंद कर देता है, उस मतलब फ्लावरिंग शुरू कर देता है, उस टाइम पर आपको जो है पिंचिंग भी बंद कर देनी है। लेकिन आपको डेड हेडिंग कंटिन्यूअसली करते रहना है, इसकी वजह से लिए इसके लिए जो है प्लांट से आपको कंटिन्यूअसली जो है वो टच में रहना ज़रूरी है। तो ये है पिटोनिया की जो है फ्लावरिंग इन्हेंस करने का तरीका।
जिन जिन चीज़ों को मैंने बताया, फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट, सनलाइट रिक्वायरमेंट, अगर आप सनलाइट ठीक से नहीं देंगे ना तो इसके अंदर ग्रीनरी, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैंने सारे फर्टिलाइजर वगैरह दे दिए और डेड हेडिंग और पिंचिंग भी कर रहा हूँ लेकिन मेरा पौधा जो है वो ज़्यादा फूल नहीं दे रहा है। तो सनलाइट कम मिलने की वजह से, जो भी मिलने की वजह से भी ऐसा होता है, तो अच्छे से सनलाइट भी आपको अपने प्लांट को प्रोवाइड करना ज़रूरी है। तो अभी मुझे काफ़ी सारी डेड हेडिंग करनी है, कई दिन से मैंने नहीं किया, बाद में करूंगा। वीडियो को यहीं पर एंड करता हूं। कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही किसी नई वीडियो, नए अपडेट के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।